हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में देखा था ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग के बारे में कि वर्कर्स को हम किस तरह से अपॉइंट करते हैं, किसको वर्क किस तरह से वर्क एलोकेट करते हैं वो। आज के वीडियो में हम देखेंगे डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग। डायरेक्शन मीन्स टू गाइड एंड टू सुपरवाइज द एम्प्लॉयज फॉर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स। डायरेक्टिंग का मीनिंग क्या होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्टिव, कोई भी फर्म का ऑब्जेक्टिव उन्हें किस तरह से अचीव करना है, किस तरह से काम करना है, ये सारी चीजों के बारे में गाइड करना और एज वेल एज उन्हें सुपरवाइज करना। इन ऑर्डर टू अचीव प्रीडिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डायरेक्ट एंड सुपरवाइज एम्प्लॉयज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव है हमें प्रॉपरली अगर अचीव करने हैं तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि हमें हमारे वर्कर्स को डायरेक्ट करना पड़ता है और उन्हें सुपरवाइज करना पड़ता है। In a business unit, planning is done after defining objectives and ideal organization structure is formed. Raw material, machines are purchased, staff is appointed. अब यहाँ पे सबसे पहले business unit में क्या होता है कि planning होती है कि हमारे जो objectives हमने decide किया था तो उसके ऊपर से हम plan करते हैं कि हमें कब raw material purchase करना है, कैसे करना है, किस तरह से करना है वो। उसके बाद staff organization का structure बनाया जाता है कि हमें किसको कितना काम देना है, कैसे करना है वो। उसके बाद रॉ मटेरियल परचेस करते हैं, मशीनरी परचेस करते हैं, स्टाफ के अपॉइंटमेंट करते हैं, मतलब कि स्टाफिंग करते हैं। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस एफर्ट्स बिकम यूजलेस इफ सुपरवाइजर फेल टू प्रोवाइड प्रॉपर डायरेक्शन टू द एम्प्लॉयज और वर्कर्स। ये सारी चीजें जो है भले ही हम कितनी भी एफर्ट्स डाल दें पर अगर सुपरवाइजर जो है प्रॉपर डायरेक्शन और प्रॉपर गाइडेंस अगर एम्प्लॉयज को नहीं प्रोवाइड करेगा तो ये सारे एफर्ट्स जो है वो हमारे फेल जाएंगे, मतलब कि हम हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अदर मैनेजमेंट फंक्शंस आर वर्थलेस विदाउट डायरेक्शन। डायरेक्शन इंक्लूड्स वेरियस एक्टिविटीज टू लाइक द सबऑर्डिनेट्स टू सुपरवाइज देम टू गिव ऑर्डर्स एंड इंस्ट्रक्शंस टू फिक्स द वर्क टू मोटिवेट द वर्कर्स टू प्रोवाइड लीडरशिप एक्सेट्रा। अब डायरेक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अलग अलग एक्टिविटीज, मतलब कि जो सबऑर्डिनेट्स है मतलब कि जो वर्कर्स हैं एक साथ काम पर हमें डायरेक्ट करना, उनके ऊपर सुपरवाइज करना, उन्हें ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करना, उनको वर्क फिक्स करना कि उन्हें कौन सा काम करना है वो। टू मोटिवेट द वर्कर्स कि अगर कोई वर्कर अच्छा काम कर रहा है तो उन्हें मोटिवेट करना और एज वेल एज लीडरशिप प्रोवाइड करना, मतलब कि वर्कर्स में से कोई लीडर को अपॉइंट करना। डायरेक्शन इज अ कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज रिक्वायर्ड एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कि ऐसा नहीं है कि डायरेक्शन जो है वो खाली बॉटम लेवल में ही चाहिए, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू ऑल द मैनेजमेंट लेवल्स की बॉटम लेवल के साथ साथ मिडल लेवल में भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है, फिर टॉप लेवल में भी डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। टॉप लेवल में डायरेक्शन कौन करता है, एक्सपर्ट्स है, फिर लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो। इसमें हमने देखा डायरेक्टिंग में कि वर्कर्स को वो एम्प्लॉयज को किस तरह से डायरेक्ट किया जाता है, किस तरह से उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो उनके गोल्स को और अच्छे से हम फॉर्म कंप्लीट कर सके। लास्ट पॉइंट है हमारा कंट्रोल। कंट्रोल इज द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग बैलेंस अमंग एफर्ट्स रिजल्ट रिसोर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। कि अब यहाँ पे कंट्रोलिंग का फंक्शन क्या होगी, जो सारी चीजों पे बैलेंस लगा सके। एफर्ट्स मतलब हम कितना मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट कितना आता है, रिसोर्स मतलब क्या कौन से थिंग्स कौन से असेट्स को हम यूज कर रहे हैं, एंड एज वेल एज हमारे ऑब्जेक्टिव्स कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए हम कौन से रिसोर्स का यूज करो, उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, ये सारी चीजों के ऊपर एफर्ट डालना, बैलेंस करना, दैट इज कॉल्ड अ कंट्रोल। कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी वेदर ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज आर डन विद द कंफर्मिटी ऑफ प्लानिंग और नॉट। अब यहाँ पे कंट्रोल क्या है, सबसे लास्ट में मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का सबसे लास्ट फंक्शन है। और यहाँ पे कंट्रोलिंग में कहा क्या देखा जाता है कि हमने जो प्लानिंग की है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा काम हो रहा है कि नहीं। एज पर ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट कंट्रोलिंग मीन्स टू हैव रिस्ट्रिक्शन ऑफ एम्प्लॉयज एक्टिविटीज, टू हैव स्ट्रिक्ट अप्रोच, प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट और फाइंड इन केस ऑफ एम्प्लॉय मेकिंग मिस्टेक कैंसलिंग देम विथहोल्डिंग देयर प्रमोशन एंड सो ऑन। अब पहले की सोच क्या थी कि जो ट्रेडिशनल जमाने में कंट्रोलिंग का मीनिंग होता है वर्कर्स के ऊपर कंट्रोल करना, उनके ऊपर स्ट्रिक्ट होना, पनिशमेंट देना है अगर कोई काम अगर कोई वर्कर्स है अगर वो उसे मिस्टेक हो जाती है तो उसे पनिशमेंट देना या फाइन प्रोवाइड करना, उन्हें ट्रांसफर कर देना, मतलब कि अगर काम प्रॉपर नहीं होता तो एक फील्ड में से दूसरी फील्ड में एक
नेगेटिव अप्रोच ऑफ कंट्रोल की ये जो है वो नेगेटिव अप्रोच है. कंट्रोलिंग इज अ पॉजिटिव कॉन्सेप्ट इन मॉडर्न टाइम. कंट्रोलिंग इज अ करेक्टिव एक्टिविटी बिकॉज द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज नॉट टू रिस्ट्रिक्ट द एक्टिविटीज बट टू डायरेक्ट देम इन अ राइट डायरेक्शन. इफ दिस एक्टिविटीज आर नॉट डन एज पर प्लानिंग. कि पहले क्या होता है, अब यहाँ पे पहले के जमाने में कंट्रोलिंग को हम नेगेटिव व्यू पॉइंट में देखते थे, पर आज की जनरेशन में कंट्रोलिंग को हम पॉजिटिव वे में देख रहे हैं. कि कंट्रोलिंग का मीनिंग क्या हुआ कि जो वर्कर्स उन्हें गाइडेंस प्रोवाइड करना, उन्हें डायरेक्ट करना और एज वेल एज अगर कुछ भी गलती होता है तो गलती को सुधारना. द फंक्शन ऑफ कंट्रोलिंग इज टू सी दैट मिस्टेक मेड इन पास्ट आर नॉट रिपीटेड इन द फ्यूचर. अब यहाँ पे कंट्रोलिंग का मेन फंक्शन क्या है कि जो गलती अगर कोई भी वर्कर से या कोई भी सुपरवाइजर से पास्ट में हो जाती है वो गलती जो है वो फिर से फ्यूचर में रिपीट ना हो. पहले के जमाने में कंट्रोलिंग को नेगेटिव वे में लिया जाता था कि उनके ऊपर कंट्रोल करना, उन्हें पनिशमेंट देना, ये सारी चीजें. पर जैसे जैसे कॉन्सेप्ट मॉडर्न टाइमिंग आता गया वैसे वैसे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो चेंज होते गए और कंट्रोलिंग को पॉजिटिव वे में लेके आए. और उन्हें अगर कोई भी गलती होती तो उन्हें प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है और उन्हें समझाया जाता है कि वही गलती फिर से रिपीट ना हो. आज के इस वीडियो में हमने डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के बारे में देखा. आपके होमवर्क असाइनमेंट में ये है कि आपको डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग की जो डेफिनेशन, की जो मीनिंग है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है. थैंक यू.